सी कपिल साहब इंजीनियर सहमत है, बताइए हाथ उठा के, सारे लोग बताइए हाथ उठा के। इसके वो हमारे साथी हैं भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, बदलते नहीं है। सरकार को झुकाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से ट्रक ड्राइवर थे, अभी ताजा उदाहरण है। गए थे कल ही गए हैं, कल जाते हुए इनको डिटेन कर लिया। पीछे जो खड़े हैं भानु प्रताप सिंह जी, काफी सारे लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन ही तो जा रहे थे, कल चुनाव आयोग जा रहे थे कि हमें ईवीएम मशीनें दो, इनको जाने नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया, डिटेन कर लिया, बस में बैठा के ले गए थाने में। सरकार डरेगी? अभी तो नहीं डरी, अभी ढीठ पने पे उतारू है, लेकिन डरेगी, बहुत जल्दी डरेगी। सरकार को झुकाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से ट्रक ड्राइवर थे, अभी ताजा उदाहरण है। हड़ताल करी ना 3 दिन की, आगे नीचे घुटनों पे किसान एक साल तक बैठे रहे, आगे घुटनों पे। तो ईवीएम के मुद्दे पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि ईवीएम की मुहिम सबसे पहले मैंने शुरू करी थी, 3 राज्यों के चुनाव आते ही सबसे पहले मैंने ईवीएम का मुद्दा उठाया था। आज ये मुद्दा इतने बड़े मंच तक पहुंच गया है, आप देखो इस चीज को, तो आगे बढ़ेगा। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया, अब ये कारवा और जुड़ेगा, और लोग आएंगे इसमें शामिल होंगे। और ईवीएम बैन होनी चाहिए, हर हालत में बैन होनी चाहिए, होने चाहिए बैन, क्या दिक्कत है? ईवीएम का जनक देश है जापान, उसने अपने यहाँ ईवीएम बैन कर दी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम हमारे यहाँ पाक साफ चल रही है? अगर लोगों का जी क्या कहा ईवीएम ईवीएम से टाइम बचता है, तो बैलेट पेपर से भी तो टाइम बचता है। सर कितना टाइम बचा रहे हो आप? 2 दिन का टाइम बचा लोगे, 4 दिन का टाइम बचा लोगे? अगर टाइम बचता है तो आप 14 तारीख को पोलिंग करा के और फिर 10 मार्च को काउंटिंग क्यों करते हो? इसके लिए मैंने पहले भी उदाहरण दिए थे सारे, मैं दोबारा देता हूँ। पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, यूपी में 8 चरणों में चुनाव हुए थे लगातार, फरवरी से शुरू हो गए, वो 7 मार्च तक चुनाव चले थे, 3 मार्च तक, और उनकी काउंटिंग जो है 10 मार्च को कम्प्लीट हुई थी। जी सर, कोई भी चीज कोई भी लेके आए उससे सवाल नहीं उठता, ठीक है, ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, तो क्या कोई एक चीज ऐसी है कि जो चीज हम पहले लेके आए कि आज वो खराब नहीं हुई? क्या आज आप एक अपने घर में गाड़ी लेके आए थे आज से 10 साल पहले, क्या वो खराब नहीं, क्या वो उसका इंजन नहीं बोला, ये बताइए। और उस वक्त विरोध हुआ था, बीजेपी ने ही विरोध करा था, लेकिन जब उस बीजेपी को दिख गया कि ये चीज मेरे फेवरेबल हो सकती है, उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। जनता वोट देती है, क्योंकि आप भी तो जीतते हैं, हमारे कर्नाटक जीते हैं। बिल्कुल 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 सही सवाल आपका। पिछले 12 राज्यों के चुनाव आप उठा के देख लीजिए, 3 राज्यों में बीजेपी बाहर है, पंजाब में बाहर, दिल्ली में बाहर, कर्नाटका में बाहर, तेलंगाना में बाहर, 4 राज्यों की पोलिंग और उसकी काउंटिंग का डेट देखिए आप, मात्र 3 से 4 दिन का अंतर है, 4 राज्यों में बीजेपी बाहर है। और बाकी राज्यों में आप मणिपुर उठा के देख लीजिए, और आपका उत्तराखंड उठा के देख लीजिए, गोवा उठा के देख लीजिए, तीनों जगह 14 फरवरी लास्ट 2022 में चुनाव हुए थे, रिजल्ट आया था 10 मार्च को। अभी ताजे राज्यों में चुनाव देखो आप, 7 नवंबर से चुनाव हुए, 14 नवंबर चुनाव हुए, 25 नवंबर चुनाव हुए, रिजल्ट आया 3 दिसंबर को, 15 दिन 20 दिन 25 दिन हर राज्य में इनको मिल गए, आराम से बदलाव करने के लिए, आराम से चेंजेस करने के लिए, आराम से हेराफेरी करने, हर उस राज्य में जहां इन्हें टाइम मिल जाता है वहां बीजेपी जीत जाती है, जहां टाइम नहीं मिलता वहां बीजेपी हार जाती है, ये क्या रीजन है? इसका कोई जवाब इनके पास क्यों नहीं होगा? जनता प्यार नहीं करती, ईवीएम प्यार करती है, जनता प्यार करती है। तो आपने देखा कि 4,90,00,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं सारे राज्यों में मिला के, पिछले 4 राज्यों के चुनावों का आकलन देखा जाए तो 4,90,00,000, और बीजेपी को 4,81,00,000, 9,00,000 वोट कांग्रेस फालतू ही लेके गई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस हारी है 500 वोटों से, 5,000 वोटों से, 1,500 वोटों से, 4,500 वोटों से, हर जगह एक एल्गोरिदम सेट हुआ है, हर आप भी लगातार इस चीज को देखो, मैंने सबसे अपील करी है, आप एक एल्गोरिदम उठा के देखो कि मध्य प्रदेश के चुनावों में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का रेशो लगातार चला है, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट को 50,000 वोट मिले हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट को 55,000 वोट मिले, जहां उसे 60 मिले तो वहां उसे 66 मिले हैं, 1.1 का रेशो चला है, छत्तीसगढ़ में 1.15, 1.25, 1.35 का रेशो मिला, जहां छत्तीसगढ़ में इनका नामो निशान नहीं था, हर चैनल इस बात को दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की वापसी है, लेकिन लास्ट एंड फाइनल छत्तीसगढ़ में सारे के सारे नतीजे बदल गए, और बदले क्यों? 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन का बयान आता है, मोदी जी ने कहा कि मेरे पे वोट दीजिए और राम मेरे पे वोट नहीं, आप सुनिए मेरी बात पूरी, 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन का बयान आया था कि छत्तीसगढ़ में 66.34 की वोटिंग हुई है, अगले दिन एक दिन बाद ही उसका इमीडिएट बदल गया, नहीं नहीं 76% की वोटिंग हुई है, 74.3525 की वोटिंग हुई है, इमीडिएट 7 दिन बाद फिर दोबारा बदल गया उनका बयान इलेक्शन कमीशन का, 28 तारीख को लास्ट उनका जो आया बयान
वो ये था कि नहीं 74.65 की परसेंट की वोटिंग हुई है, 10 दिन के अंदर 10 परसेंट की वोटिंग बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भाई, तुम्हारे पास आंकड़े हैं? अगर ईवीएम गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है, 10 दिन के अंदर 10 परसेंट वोट कैसे बढ़ गया आप ये बताइए। सिर्फ 10 दिन के अंदर 10 परसेंट वोटिंग कैसे बढ़ गई, 66 से वो 74-76 कैसे हो गई? जब इलेक्शन कमीशन इतना सटीक है, उसकी मशीनें इतनी सटीक है कि आप बटन दबाते ही उससे जाहिर कर लेते हो, ले लेते हो आप उससे डिटेल ले लेते हो, तो 10-10 दिन बाद 3-3 बार उसके इलेक्शन कमीशन के बयान क्यों बदले? उसका कोई जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? और इन 19 लाख ईवीएम मशीनें खत्म है, हो गई हैं, कहाँ है वो रास्ते में मशीनें? वो 19 लाख ईवीएम मशीनें हैं कहाँ? आज की डेट में भी जब लगातार इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाया जाता है, कहाँ है वो 19 लाख ईवीएम मशीनें? उसका कोई जवाब ही नहीं आता। जब जी हाँ मानवीय त्रुटि हो सकती है, ऐसी कौन सी मशीन आ गई हमारे में कि जिसमें मानवीय त्रुटि करके हम चेंजेस नहीं कर सकते? सबको दोबारा से, मैं वही अभी बात हुई है, फिर दोबारा से ये मोबाइल मेरे पास बड़ा आज काम आता है, 20 साल पहले का मोबाइल है रिलायंस का, मात्र बटन दबा के हेरफेर हो जाता था, क्लोन बन जाते थे इसके, मैं भी यूज कर रहा हूँ, दूसरा भी यूज कर रहा है, तो इनके मशीनों के क्लोन क्यों नहीं बन सकते? बटनों का ही तो हेरफेर है। एसटीडी पीसीओ मशीनें होती थी आज से पहले 15-20 साल पहले, इस बात को मैंने पहले भी उठाया, आज फिर उठाता हूँ, बटनों का हेरफेर करके उसमें पल्स रेट चेंजेस कर दी जाती थी, 4 सेकंड की पल्स रेट मॉनिटर में 4 सेकंड ही दिखाता था कि 4 सेकंड में पल्स रेट बदल रही है, हकीकत में वो 3 सेकंड में मशीन उसको बदल देती थी। क्यों बदल देती थी? और मशीनों की बात है, मॉक टेस्ट होता है 50 वोटों का, 50 वोट डलने के बाद मॉक टेस्ट कंप्लीट करके दिखा दिया जाता है कि देख लो जी मशीन ठीक है, ओके है, मशीन में से उसको डाटा को डिलीट कर दिया जाता है, रीसेट कर दिया जाता है। जब उस मशीन में इमीडिएट एक बटन दबा के डाटा सारा का सारा रीसेट हो सकता है, तो बटनों का ही तो हेरफेर है, बटनों का ही सारा हेरफेर है कि पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, बटनों का हेरफेर करके आप 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हो, आपको 9 लीटर पेट्रोल मिल जाता है, टंकी में आपकी 9 लीटर आ रहा है, सामने आपको 10 लीटर दिख रहा है, ऑटो के मीटर है आपके सामने, आप सब देखते हैं कि मीटर में, बटनों का ही तो हेरफेर है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, तो ये मशीनें ऐसे कैसे टेंपर प्रूफ होगी? अमरीका इस बात से डराई कर चुका है कि हमारे लिए मशीनें पारदर्शी नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव करते। एक तरफ आप कहते हो टेक्नोलॉजी में अमेरिका हमसे आगे है, जापान हमसे आगे, ब्रिटेन हमसे आगे, जब वो टेक्नोलॉजी में इतने जर्मनी आगे हैं, इतने के सर बाकी सारी की सारी टीमें आ गई हैं, सारी आगे हैं हमसे, तो जब वो बैलेट पेपर इसको पे आ गई है वापस, तो हमारे को क्या दिक्कत है? भारत की जनता तो समझ जाती है, इलेक्शन कमीशन आज अपने रुख पे बदल जाए, कहते हैं ठीक है जी हम बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं, आप देख लो दूध का दूध पानी का पानी है। चुनिंदा लोग इसलिए दिखते हैं क्योंकि चुनिंदा लोगों को डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ ईवीएम में खराबी है, लेकिन दूसरे लोग जब बोलते हैं तो उनकी बात को दबा दिया जाता है। पालतू मीडिया जो है आज की डेट का, पालतू मीडिया, फिर से कहता हूँ पालतू मीडिया, इस बात का फौरन के फौरन मजाक बनाना शुरू कर देगा, सारे 9 PM के 7 बजे के हल्ला बोल और ये जितने भी समय होते हैं सारा का सारा उसको लेके शुरू हो जाएंगे, विपक्ष पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर देगा, विपक्ष हार गया तो अब ईवीएम पे आ गया। अरे भैया बदनामी से मत डरो, डू एंड डाई का नारा है, करो या मरो, बिल्कुल डरना बंद कर दो। राम विरोधी मुझे कहते रहे, उनके उनसे मुझे राम विरोधी सर्टिफिकेट लेना ही नहीं, मेरे राम मेरे घर में है, मैं एक मंदिर का ट्रस्ट का मेंबर भी हूँ, ट्रस्टी भी हूँ, मेरे मंदिर में रोज सुबह शाम इनकी अक्षत यात्रा और कलश यात्रा वो सब चल रही है, सारे मेरे उसमें घर में हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा? मेरे राम मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, राम की बात आप करें तो मेरे दिल दिमाग से राम नहीं निकाल सकते लोग, गलत चीज। सबसे पहले राजीव गांधी जी ने, सबसे पहले राजीव गांधी जी ने रामलला को ताला खुलवा के बिठाया था, जानते हैं आप इस चीज को? पूरे देश में राम राम चल रहा है 22 तारीख, पहले भी चलता था, अभी चलता रहेगा, अब खुल के चल रहा है, मीडिया दिखा रहा है, आपकी पूजा, आप सारे लोग पूजा करके आए होंगे, आए हैं सारे पूजा करके, अगर आप सब हिंदू हो तो सारे पूजा करके आते हो, मुसलमान अपनी सुबह अपनी जो पढ़ के आते हैं कलमा पढ़ के आते हैं जो भी करके, हर कोई घर से बोल करके निकलता है, लेकिन आप उस चीज को हाईलाइट करके दिखा रहे हो सारा देश राममय हो गया। अरे भाई सारा देश राममय हो गया, राममय तो पहले भी था, आज क्या बदलाव आ गया उसमें? राम की पूजा मैं तब भी करता, राम की पूजा मैं अब भी करता, मंदिर बना दिया, खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन अखबारों में टीवी में यही चल रहा है। हाँ बिल्कुल चला रहे हैं, जनता बोल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, हिंदू निकले, बिल्कुल करेक्ट, यही बात है जो आज से थोड़े दिन पहले आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जी ने एक बात उठाई थी, सत्यपाल मलिक जी ने बोला था कि आने वाले चुनाव से पहले ये लगातार इस बात को कंडक्ट कर सकते हैं, हो सकता है राम मंदिर पे हमला करवा दे, हो सकता है किसी बड़े नेता की हत्या का षड्यंत्र रच दे, तो आज वो उनकी बात साबित हो गई ना कि दोनों के दोनों ने जुनैद नाम रख के और वो नाम रख के मुसलमान नाम रख के एक ने ही दूसरे को अपने पास ईमेल करवा ली
और जब उनकी पोल खुली तो वो हिंदू निकले और वो बीजेपी के कार्यकर्ता निकले। अब बुलडोजर नहीं चलेगा उनके ऊपर, बुलडोजर तो अभी वो 3 BHU के जो पदाधिकारी पकड़े गए हैं, जो वो इनके भाई भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी BHU रेप केस में, उनके घर पे भी नहीं चल रहा। सीधी सी बात, बिल्कुल हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है, धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी ने। आज से पहले शुरुआत ही धर्म की राजनीति से करी थी, आज से पहले भी 1980 में बीजेपी की फॉर्मेशन हुई और 1990 में इन्होंने धर्म का सहारा लेना शुरू करा। सबसे पहले सोमनाथ से अयोध्या की जो रथ यात्रा इन्होंने निकाली तो धर्म के नाम पे तो निकाली थी। साहब है हमारे पीछे खड़े हुए भानु प्रताप सिंह जी, बोल रहे हैं दीजिए उन्हें 50 EVM, वो करके दिखा दे। वो कह रहे हैं मैं पूरे देश में डेमो करके दिखाऊंगा, डर किस बात का है, दीजिए आप उन्हें, दिक्कत क्या है। अरे बुलाया था, वही तो बात आ रही है, जब वो बुलाया था जब वो जाते हैं तो उन्हें डिटेन करके लेके चले जाते, गिरफ्तार करके लेके गए।